Good morning, students. Hope you all doing well. I, Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the subject name is research methodology, and today the topic would be proposition and hypothesis. So proposition and hypothesis ko hum discuss karenge. So let's start. So these are the books from where the PPT content has been made. So first one is Business Research Method by Cooper and Schindler. Second one is Business Research Method by Zygmunt Babin, Carr and Griffin. And third one is Marketing Research and Applied Approach by Naresh K. Malhotra and David F. Parks. So the topic of this lecture is propositions and hypothesis. So let's start. So we will start with an example. So जैसे आप देख रहे हैं एक आपके पास कंस्ट्रक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कह रहे हैं सेल्स पर्सन जॉब परफॉर्मेंस. सो कोई सेल्स मैन है या सेल्स पर्सन है, उसकी आप जॉब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट. जॉब परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आपके पास वेरिएबल्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं. सो ये एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट है. जॉब परफॉर्मेंस जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, और वो भी एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट. और जब जॉब परफॉर्मेंस को आप मेजर करते हैं, जैसे विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल लेवल ऑफ वेरिएबल्स, जैसे नंबर ऑफ सेल्स कॉल. अब किसी भी आप सेल्समैन की जॉब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहते हैं, सो आपके पास कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं. जैसे नंबर ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स हुई है. नंबर ऑफ सेल्स कॉल, कितनी सेल्स कॉल करी. डॉलर वैल्यू ऑफ सेल्स, कितनी वैल्यू है जितनी सेल्स करी है. तो इन सबके बेसिस पे आप जॉब परफॉर्मेंस जो है सेल्स पर्सन की उसको इवेल्युएट कर सकते हैं. सो ये जो जॉब परफॉर्मेंस होता है इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट. एंड जो वेरिएबल्स हैं जो जॉब परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं एम्पिरिकल लेवल ऑफ वेरिएबल्स. सो इसी से हम डिराइव करते हैं प्रोपोजिशन एंड हाइपोथेसिस. सो दिस इज द एग्जाम्पल. So the basic scientific or scientific business researcher operates at two level. So कोई भी researcher होगा, he or she will operate at two level. First होगा abstract level of concept, जिसको हम कहते हैं propositions. और second होगा empirical level of variables, जिसको हम कहते हैं hypothesis. So empirical level मतलब आप test कर सकते हैं किसी चीज को. Abstract level बस आप उसको describe कर सकते हैं, बस उसको test नहीं कर सकते हैं आप. सो एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एम्पिरिकल लेवल ऑफ वेरिएबल्स, ये दो लेवल्स होते हैं जिसपे कोई भी रिसर्चर जो होता है वो ऑपरेट करता है. सो एट द एम्पिरिकल लेवल, जैसे हमने डिस्कस करा, ये एम्पिरिकल लेवल नंबर ऑफ सेल्स कॉल, नंबर ऑफ सेल्स, डॉलर वैल्यू ऑफ सेल्स. सो एट एम्पिरिकल लेवल वी एक्सपीरियंस रियालिटी, दैट इज वी कैन ऑब्जर्व, मेजर, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल वी कॉमनली यूज द टर्म जॉब परफॉर्मेंस, जैसे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस करा जॉब परफॉर्मेंस, बट दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म दैट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल और इन डिफरेंट सिचुएशन. सो जॉब परफॉर्मेंस अगर आप बोलेंगे इवेल्युएट करने को, सो अगर आप किसी रिसर्चर को बोलते हैं जॉब परफॉर्मेंस, या कोई रिसर्चर जॉब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा है, और अगर वो डायरेक्टली पूछता है कि क्या जॉब आपकी परफॉर्मेंस है, सो दैट वुड बी हर रेस्पॉन्डेंट का अलग आंसर रहेगा. लेकिन अगर वो एम्पिरिकल लेवल ऑफ वेरिएबल्स को यूज करता है, जैसे कि नंबर ऑफ सेल्स कॉल, नंबर ऑफ सेल्स, सो जो आंसर्स होंगे वो एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट कर सकता है कोई भी रिसर्चर. सो इसलिए ये जो जॉब परफॉर्मेंस वर्ड है, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, सो विच कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल और रिस्पॉन्डेंट्स. To move to the empirical level, we must more clearly define this construct. ये जो job performance का construct है, इसको हमें clearly define करना है, and we have to identify actual measures that we can assess and measure to represent job performance. So that is the reason हमें empirical level उसको test करने के लिए job performance को empirical level of variables use करने हैं. These variables, ये जो variables हैं, they will help to measure the job performance correctly. So अब जैसे हमने previous lectures में भी discuss करा था, concepts जो होते हैं, जैसे ये job performance है, this is one of the concepts. So concepts are the basic units of theory development. Theory हमने discuss करी थी, कोई भी relationship जो होता है among the concepts, जो आप study करते हैं concepts को. So
थ्योरी डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक यूनिट्स हैं. हाउएवर थ्योरीज रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द कॉन्सेप्ट्स. तो थ्योरीज को अगर आपने समझना है तो दे रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग द कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट आपके पास, जैसे लेट्स सपोज सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस आप मेजर कर रहे हैं, या फिर दो कॉन्सेप्ट आपने अपनी स्टडी में लिए रिसर्च में, सो जो थ्योरी होगी वो इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करेगी. दस वंस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड, a researcher is interested in the relationship among these concepts. So, अगर concepts आपने identify करे हैं previous literature से, अब next task is to identify the relationship among these concepts. So, propositions क्या होती हैं? Propositions are statements concerned with the relationship among concepts. तो जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हमने जॉब परफॉर्मेंस एक कॉन्सेप्ट हमने लिया, आप सेटिस्फेक्शन भी लेते हैं, सो कोई भी स्टेटमेंट जो इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेगी, that is called proposition. A proposition explains the logical linkage among certain concepts by asserting a universal connection between the concepts. For example, we might propose that treating our employees better will make them more loyal employees. So, ek statement hai, treating our employees better will make them more loyal employees. Iska matlab, if you treat your employees better, they will be more loyal to the organization. So this is a proposition, this is a statement. But इसको test करने के लिए आपको इसको convert करना पड़ेगा into hypothesis. So proposition क्या हुई? Proposition is a statement which talks about the relationship between the concepts. तो दो concept हैं यहाँ पर, है loyalty and second है treating employees. जब आप treat करेंगे better तभी employees होंगे वो ज़्यादा loyal होंगे. So this is certainly a logical between managerial action and employee reaction. Managerial action क्या है? Treating the employees better. And employee का reaction क्या है? Employee more loyal. They will become more loyal. So but is quite general and not really testable. तो ये जो propositions होती है इसको आप test नहीं कर सकते उसकी current form में. So ये है आपका abstract level of concept में. If you treat your employees better, more loyal will be employees. So, yeah, this is the proposition. This is a statement which cannot be tested in its current form. But when we talk about hypothesis, तो hypothesis में आपको एक empirical level of variable use करना पड़ता है. जैसे treat employees better को कैसे आप measure करेंगे? अगर आप retirement benefits को 5% से increase करते हैं, so इसका मतलब आप बेटर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. और लॉयल्टी को कैसे मेजर करेंगे? जब उनका टर्नओवर कम हो जाएगा तो रिड्यूस एनुअल टर्नओवर, तो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएंगे. इसका मतलब दे आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो एम्पेरिकल लेवल पे आपको प्रपोजिशंस को टेस्ट करना होता है, और जब एम्पेरिकल लेवल ऑफ वेरिएबल्स आप यूज करते हैं तो वो प्रपोजिशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइपोथेसिस. So treat employees better को कैसे measure करेंगे? आप retirement benefits को increase करते हैं अगर 5% से, और अगर annual turnover of employees कम होता है, अगर वो छोड़ के नहीं जाते हैं, इसका मतलब आप जो proposition है उसको इस तरीके से measure कर सकते हैं. और जब empirical level of variables आप use करते हैं और test कर सकते हैं उस statement को, then it becomes hypothesis. So hypothesis is a proposition that is empirically testable. So, proposition is a statement which cannot be tested in its current form, but hypothesis is a proposition that is empirically testable. So, hypothesis, ये आपका first जो था abstract level पे, ये proposition थी. If you treat your employees better, then more loyal they will be. But if you convert them into empirical levels of variable with the help of empirical levels, तो जो propositions होती है, जो test हो सकती है, उसको हम कहते हैं hypothesis. Therefore, hypothesis is a proposition that is empirically testable. In other words, when one states a hypothesis, it should be written in a manner that can be supported or shown to be wrong through an empirical test. तो आप इस चीज में empirical test use कर सकते हैं hypothesis में, but not in proposition. So this is was the example of proposition and hypothesis. Abstract level पे propositions होती है. Proposition is a statement which cannot be tested. Hypothesis is a proposition which can be empirically tested. और इसमें empirical level of variables you use to measure your construct. Empirical testing क्या होती है? Empirical testing means that something has been examined against reality using data. So when you collect the data and उसको आप test कर सकते हैं with the help of that data, then that is called empirical testing.
एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन एग्जाम्पल जैसे हमने डिस्कस करा था, ट्रीटिंग अवर एम्प्लॉइज बेटर विल मेक देम मोर लॉयल एम्प्लॉइज मे बी टेस्टेड एम्पेरिकली विद द हाइपोथेसिस. सो ये जो प्रपोजिशन है दिस इज अ स्टेटमेंट बट इट कैन नॉट बी टेस्टेड. बट वेन यू कन्वर्टेड इन टू एम्पेरिकल एम्पेरिकली वेन यू कन्वर्ट दैट प्रपोजिशन and you convert it with the help of empirical variable, jaise increasing retirement benefit will reduce intention to leave the organization is an empirical counterpart of this proposition. So aapne usko convert karna hota hai ek empirical counterpart mein. So jo proposition hai usko convert kariye ek empirical form mein and then that empirical form statement will be called hypothesis jisko you can test with the help of any स्टैटिस्टिकल टूल. अब आते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती हैं. सो फर्स्ट होती है रिलेशनल. जनरली हम रिलेशनल यूज करते हैं. रिलेशनल मतलब एज द नेम सजेस्ट रिलेशनशिप की बात करता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स. सो रिलेशनशिप हाइपोथेसिस आर स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू सम केसेस. फॉर एग्जाम्पल फॉरन कार्स आर परसीव्ड बाय अमेरिकन कंज्यूमर्स टू बी ऑफ बेटर क्वालिटी देन डोमेस्टिक कार्स. So this is a relation बता रहे हैं foreign cars and domestic car का. American consumers foreign car को ज्यादा पसंद करते हैं as compared to domestic car. तो ये relational hypothesis. Relational में हम जो बात करते हैं वो करते हैं पहले correlational hypothesis की. Correlational मतलब variables जो होते हैं they, when they occur together in some specified form without implying that one causes the other. तो कोई cause and effect की बात नहीं हो रही है. बस आप relationship कि एक variable occur हो रहा है तो दूसरा variable भी occur करेगा in some specified manner. So that is called correlational hypothesis. So कुछ example है जैसे young woman under 35 years of age purchase fewer units of our product than women who are 35 years of age or older. So 35 years से जो कम है वो कम products को खरीदती हैं, कम units खरीदती हैं product की than the women who are 35 years or older. Second example, the number of suits sold varies directly with the level of business cycle. तो जैसी बिजनेस साइकिल होगी उसके हिसाब से अगर बूम है अगर डिप्रेशन है तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ सूट जो होंगे उनका नंबर ऑफ सूट सोल्ड होंगे. सो ये कुछ एग्जांपल है जो रिलेशन की बात करते हैं ना कि कॉज एंड इफेक्ट की. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉज एंड इफेक्ट तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी या कॉजल हाइपोथेसिस. सो फर्स्ट जो है रिलेशनल हाइपोथेसिस. रिलेशनल में वी जनरली टॉक अबाउट कोरिलेशनल जिसमें एक स्पेसिफाइड मैनर में वेरिएबल्स अकर करते हैं और व्हेन वी टॉक अबाउट कॉज कॉज एंड इफेक्ट तो उसे कहते हैं एक्सप्लेनेटरी या कॉजल हाइपोथेसिस. सो देयर इज एन इम्प्लीकेशन दैट द एग्जिस्टेंस और चेंज इन वन वेरिएबल कॉजेस और लीड्स टू चेंज इन द अदर वेरिएबल. तो जनरली जैसे हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने डिस्कस करे थे टाइप्स ऑफ वेरिएबल में तो उसके कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं. एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन फैमिली इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ इनकम सेव्ड. तो जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा सेविंग होगी. तो इनकम हो फैमिली इनकम हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ इनकम सेव जो सेविंग होगी दैट विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जब एज ए कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी या कॉजल हाइपोथेसिस. So, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ साल्वेज कॉपर वायर लीड्स टू एन इंक्रीज इन स्केवेंजिंग दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द आर्मी फायरिंग रेंज. और एग्जाम्पल एक्सपोजर टू द कंपनी मैसेजेस कंसर्निंग इंडस्ट्री प्रॉब्लम लीड्स टू मोर फेवरेबल एटीट्यूड बाय एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द कंपनी. सो व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल देन दैट हाइपोथेसिस जो होती है उस कंटेक्स में उसे कहते हैं एक्सप्लेनेटरी कॉजल हाइपोथेसिस. And when you talk about simple relation, उसे कहते हैं correlational hypothesis. And जो broad है, उसे कहते हैं relational hypothesis. Relational में दो होते हैं correlational and explanatory causal hypothesis. और हमने discuss करा what are propositions. तो जैसे हमने बोला propositions एक statements होती हैं जो relationship की बात करती हैं among the concepts. Concept जैसे job performance. तो इनके जॉब परफॉर्मेंस हो गया सेटिस्फेक्शन हो गया इनके बीच में जो रिलेशन है और विच कैन नॉट बी टेस्टेड जो स्टेटमेंट है एंड दैट स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड इन इट्स करंट फॉर्म उसे हम कहते हैं प्रोपोजिशन. एंड हाइपोथेसिस जब हम एम्पेरिकल लेवल ऑफ वेरिएबल्स यूज करते हैं और जो एम्पेरिकल फॉर्म होती है प्रोपोजिशन की जिसको टेस्ट कर सकते हैं एम्पेरिकली उसे कहते हैं हाइपोथेसिस. एम्पेरिकली टेस्ट का मतलब होता है व्हेन यू यूज डेटा.
आप यूजिंग डेटा आप एग्जामिन करते हैं और डेटा को हेल्प से आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल टेस्टिंग। सो ये हमने डिस्कस करा आज प्रोपोजिशन एंड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन पे बात करेंगे और हाइपोथेसिस जब फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।